हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। तो दोस्तों कैसे हैं, ठीक है ना? तो फ्रेंड्स, मैं अमन मिश्रा, आपका होस्ट एंड दोस्त, आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फूडीज वेफर्स में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कोल्ड कॉफ़ी बनाना बताऊंगा। क्या शानदार लगता है जब ये चिल रहता है कॉफ़ी। हॉट कॉफ़ी तो आप लोग पीते हैं, बराबर पिए होंगे, लेकिन जो कॉफ़ी उसको चिल्ड करके जब सर कोल्ड कॉफ़ी बनाया जाए दोस्तों, गजब का एहसास दिलाता है। तो फ्रेंड्स, बने रहे वीडियो के लास्ट तक और देखिए मैं कैसे बताता हूँ कोल्ड कॉफ़ी बनाना बहुत ही इजी वे में, घर पे, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन का बेल भी जरूर प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक बने रहे और देखिए कैसे मैं बनाता हूँ कोल्ड कॉफ़ी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, मैंने कोल्ड कॉफ़ी के लिए फुल क्रीम दूध ले लिया है। देखिए दोस्तों, इसे लेने के बाद उबाल के मैंने इसे फ्रीजर में रख दिया था। प्योर चिल्ड है ये, करीब 750 ml है ये। और ये मैंने करीब थोड़ा सा दूध, इसे मैंने ल्यूक वार्म कर लिया है, सुसुम जिसे बोलते हैं, हल्का इसे मैंने गर्म कर लिया दोस्तों। इसका क्यों मैंने गर्म किया मैं आपको बताऊंगा। ये रहा चॉकलेट सिरप और ये नेस्कैफे कॉफ़ी और ये कोको पाउडर, ठीक है फ्रेंड्स, और ये शुगर चीनी। तो फ्रेंड्स, आगे बने रहें और देखिए अगला स्टेप मैं आपको क्या बताता हूँ, ठीक है, तब तक ले बने रहें। तो फ्रेंड्स, ये जो लुक वार्म जो मैंने दूध रखा था हल्का सुसुम, इसमें मैं ये कॉफी 2.5 चम्मच इसे मैं अच्छे से, देखिए फ्रेंड्स, मिला लूँगा। और इसे मिलाने के बाद करीब आप इसे 10 मिनट तक एज इट इज ऐसा ही मिला के छोड़ देंगे, ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए और कॉफ़ी का जो जायका है और बढ़ जाएगा और ही स्मूथ और क्रीमी होगा दोस्तों, ठीक है। अब इसे हम लोग रख देते हैं 10 मिनट के लिए। तो फ्रेंड देखिए, ये जो दूध मैंने लिया था, देखिए क्या मस्त इसमें देख सकते हैं आप, देखिए क्या मस्त छाली इसमें जम चुका है दोस्तों। इसे हम लोग ये मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे। देखिए फुल क्रीम दूध है ये, इसे हम लोग डाल दें इसमें। अब ये जो कोको पाउडर है, इसे हम लोग 1/2 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा ये डालेंगे। और फिर चीनी, शुगर डालेंगे हम लोग करीब 4 चम्मच। देखिए फ्रेंड, 1 चम्मच 2 3 और ये 4 चम्मच दोस्तों, ठीक है। और ये जो हम लोग ने रखा था कॉफ़ी मिला के ल्यूक वार्म दूध में 10 मिनट के लिए, इसे भी हम लोग इसी में मिला देंगे, ठीक है। और इसे अच्छे तरीके से रन कर लेंगे मिक्सर में, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड देखिए, अब इसे मैं मिक्सर में इसे अब रन कर लूँगा मैं करीब 1 से 2 मिनट। अच्छे से इसे चला लेना है दोस्तों, पैक हो गया, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट तक आप इसे चला लीजिएगा, तब अच्छा झाग आएगा, बहुत ही स्मूथ हम लोग का कोल्ड कॉफ़ी बनेगा फ्रेंड, ठीक है। अब मैं इसे चला लेता हूँ मिक्सर में। तो फ्रेंड देखिए, 2 से 3 मिनट चलाने के बाद देखिए क्या शानदार इसमें, देखिए, ओ माय गॉड, देख सकते हैं आप, बहुत शानदार एकदम इसमें टेक्स्चर आया दोस्तों, क्या झाग है, देख सकते हैं, वाह, बहुत ही स्मूथ दोस्तों। अब इसे साइड करता हूँ मैं और बारी आती है ग्लास को सजाने की। तो ये जो चॉकलेट सिरप जो मैंने लिया है दोस्तों, सबसे पहले आपको इसमें से थोड़ा सा उठाना है, इसको आप बीच में ऐसे डिप करेंगे, देखिए एकदम स्मूथली इसको ऐसे डिप करना है, और साइड में आप ऐसे 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 साइड में डेकोरेशन कर सकते हैं आप, देखिए दोस्तों, ये कोल्ड कॉफ़ी को और जायकेदार बना देता है ये चॉकलेट सिरप, इसे ज़रूर आप ट्राई करें। देखिए फ्रेंड्स, हो गया। अब इस पे मैं, देखिए वाव, देखिए क्या शानदार लग रहा है दोस्तों। अब इसे मैं इसमें डालूँगा, देखिए फ्रेंड,
इसमें जो ये दूसरा मैं स्पून ले लेता हूँ दोस्तों, ये देखिए, देखिए क्या शानदार झाग आया है दोस्तों। देखिए इसमें थोड़ा सा ऊपर से हम लोग कोको पाउडर भी दे देंगे दोस्तों, तो ये आइस इसे भी हम लोग डिप कर देंगे। देखिए वाह, और थोड़ा सा ये मैं इसे सजा लेता हूँ दोस्तों ऊपर से। देखिए देखिए फ्रेंड्स क्या मज़ेदार लग रहा है। देखिए देखिए साइड से भी व्यू मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए देखिए रेस्टोरेंट में जो आपको मिलता है उससे क्या ये कम लग रहा है दोस्तों। देखिए वाह क्या मस्त टेक्सचर है दोस्तों, इसे पीने के बाद तो और मज़ा आएगा। इसे आप ज़रूर घर में ट्राई करें फ्रेंड्स। देखिए वाह, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलता हूँ एक नए रेसिपी के साथ दोस्तों। फ्रेंड्स कैसा लगा? देखें बहुत ही सिंपल वे मैंने आपको बताया कोल्ड कॉफ़ी कैसे बनाएं, तो प्लीज़ इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, जय जगन्नाथ।